प्रचंड गर्मी का दक्षिण पश्चिम मानसून पर सकारात्मक असर पड़ने की आम धारणा के उलट वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानियों का कहना है कि तेज लू और मानसून के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, खासकर तब जबकि सीजन में लू समय से पहले चलने लगे। भारतीय मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते जारी किए गए एक आकलन में कहा कि देश भर में मार्च 2022 में औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 122 वर्ष में सर्वाधिक है। इससे पहले का सर्वाधिक स्तर मार्च 2010 में 33.09 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी के अगले चरण यानी कि मई और जून में जब देश के मध्य भाग में लू चलना समाप्त हो जाती है, तब प्रशांत क्षेत्र से बहने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं की गतिविधि में इजाफा होता है। इसके कारण मध्य भारत में मानसूनी बारिश के शुरुआती दौर पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन यदि लू समय से पहले चलने लगती है जैसा कि इस बार देखा जा रहा है तो इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। इसके अलावा इस साल ला नीना जारी है और जून के आसपास यह विकसित चरण में प्रवेश कर सकता है, जिसका मतलब यह भी है कि तटवर्ती प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान अभी भी ठंडा है। यदि लू का मौजूदा प्रारूप मई अंत तक या जून के आरंभ तक जारी रहता है और ला नीना के सामान्य रहने पर इन दोनों का दक्षिण पश्चिम मानसून पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि IMD के महानिदेशक ने लू के मौजूदा दौर और दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरुआती प्रदर्शन के बीच किसी तरह के सकारात्मक संबंध होने से इनकार किया है। बहरहाल मौसम विभाग ने मार्च के अपने आकलन में यह भी पाया था कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मैदानी इलाकों वाले उत्तर पश्चिम भारत में औसत अधिकतम तापमान 30.73 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक स्तर पर रहा। इससे पहले औसत अधिकतम तापमान का सर्वाधिक स्तर 2004 में 30.67 डिग्री सेल्सियस रहा था। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।